वेलकम टू ऑल ओन माय यूट्यूब चैनल। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको हर प्रकार के गवर्नमेंट जॉब की इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पर मिलेगी और हर प्रकार का जो भी गवर्नमेंट जॉब उसकी क्लासेस मिलेंगी। आज हमारी फर्स्ट क्लास है क्योंकि अब डेली आपको क्लासेस मिलेंगी, तो इसलिए हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी भी को भी प्रेस कर लें, क्योंकि आर्मी से रिलेटेड किसी भी गवर्नमेंट से जॉब से रिलेटेड आपको हर प्रकार की न्यूज़ हमारे चैनल पर मिलेगी। तो आज हम बात करने वाले हैं, फर्स्ट क्लास है मैथ की सिंप्लीफिकेशन, पहला टॉपिक है सरलीकरण, जो कि हर गवर्नमेंट जॉब आर्मी हो चाहे एयरफोर्स नेवी कुछ भी हर प्रकार की गवर्नमेंट जॉब में यह टॉपिक आता है, सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन। तो पहली जो बात करते हैं, पहली बात करते हैं हम बोर्ड मास रूल की। बोर्ड मास रूल क्या होता है, हम इसे वी बोर्ड मास रूल भी कहते हैं। क्या वी बोर्ड मास रूल, यानी वी का मतलब होता है वेनिकुलम बार होता है। वेनिकुलम जो बार होता है ना किसी संख्या के ऊपर, जैसे बार ऐसे बार लगता है वो होता है वेनिकुलम बार। फिर बी का मतलब होता है बी का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट होता है। फिर ओ का मतलब ऑफ होता है। डी का मतलब डिवीजन होता है। एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। ए का मतलब एडिशन होता है। एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन होता है, यानी बी का मतलब ये कोष्टक हो गया। ओ का मतलब होता है एक प्रकार से मतलब होता है, ओ का मतलब क्रॉस, ऑफ का मतलब क्रॉस लेके चलते हैं हम, यानी गुणा है ना। लेकिन ऑफ आ जाए तो उसका पहले मल्टीप्लाई से पहले यानी गुणा से पहले हम उसका सोल्व करेंगे। और डी का डिवाइड हो गया, भाग हो गया। और एम का मल्टीप्लाई हो गया, ए का एडिशन हो गया, और एस का सब्ट्रैक्शन यानी घटाव हो गया, घटा हो गया, ठीक है ना। तो मतलब पहले बता देते हैं कि मतलब पहले किसका सोल्यूशन होगा। पहले अगर वेनिकुलम बार आ जाएगा ना, तो पहले सबसे पहले वेनिकुलम बार का क्या करेंगे, उसका सॉल्यूशन करेंगे। जो मतलब कोई संख्या जैसे 2 × 2, पहले इसके ऊपर बार लग गया, ठीक है, तो सबसे पहले किसका सॉल्यूशन करेंगे, इस 2 × 2 का जो बार वाला है ना, सबसे पहले उसका सॉल्यूशन करेंगे। फिर है वो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, जैसे छोटा कोष्टक हो, मंझला कोष्टक और सबसे बड़ा कोष्टक। अब बात करें अगर इन तीनों कोष्टक में किसका सॉल्यूशन पहले करेंगे, पहले सबसे छोटे जो ब्रैकेट आता है उसका सॉल्यूशन करेंगे, फिर मंझला कोष्टक का सॉल्यूशन करेंगे, फिर बड़े वाले कोष्टक का सॉल्यूशन करेंगे। फिर बात करते हैं फिर किसका सॉल्यूशन करेंगे, फिर ऑफ का। अगर ऑफ आया हुआ है, ऑफ का मतलब क्या होता है, क्रॉस होता है, तो फिर ऑफ का सॉल्यूशन करेंगे। ऑफ का मतलब गुणा ही होता है एक प्रकार से, लेकिन ऑफ आ जाए नहीं तो उसका गुणा से पहले उसका सॉल्यूशन करना पड़ता है। नेक्स्ट है फिर मल्टीप्लाई पर, फिर ऑफ की बात होता है डिवीजन। डिवीजन डिवीजन होता है भाग, डिवीजन क्या होता है, भाग होता है। फिर इसके बाद होता है मल्टीप्लिकेशन होता है, यानी मल्टीप्लाई होते हैं जैसे। फिर ए मल्टीप्लाई के बाद एडिशन करेंगे यानी जोड़, जोड़ का सॉल्यूशन करेंगे। फिर आता है सब्ट्रैक्शन होता है घटाओ, फिर इसका घटाओ का सॉल्यूशन सबसे लास्ट में करेंगे। तो ये होता है वी बोर्ड मास, तो इस प्रकार इसका सॉल्यूशन करेंगे वी बोर्ड मास का। जैसे नेक्स्ट बात करते हैं, अब देखो हिंदी में बोर्ड मास रूल का मतलब फुल फॉर्म क्या होती है, बी से ब्रैकेट यानी कोष्टक। ओ का मतलब का होता है हिंदी में, ओ का मतलब का होता है अर्थात तो वर्गमूल या घनमूल। डी का मतलब डिवाइड होता है। एम का मतलब मल्टीप्लाई गुणा होता है। ए का मतलब होता है जोड़ होता है। एस का सब्ट्रैक्शन यानी बाकी यानी घटाओ बोलते हैं जिसे, घटाओ है ना, घटाओ। तो सबसे पहले जो वेनिकुलम बार आता है उसका, वेनिकुलम बार आता है उसका सॉल्यूशन करेंगे, फिर ब्रैकेट का सॉल्यूशन करेंगे, फिर ऑफ यानी का यानी गुणा एक प्रकार से गुणा ही होता है, फिर डिवाइड का सॉल्यूशन करेंगे, फिर मल्टीप्लाई का सॉल्यूशन करेंगे, फिर एडिशन का सॉल्यूशन करेंगे, एड जोड़ का सॉल्यूशन करेंगे, सब बाद में सब्ट्रैक्शन यानी बाकी का सॉल्यूशन करेंगे। एक बार हिंदी में फिर रिपीट करते हैं, सबसे पहले फिर कोष्टक का सॉल्यूशन करेंगे, यानी पहले तो बार का, फिर कोष्टक का, फिर जो गुणा होता है ना ऑफ का है ना, जैसे हिंदी में आ जाएगा 25 का,
5%। तो फिर का का, फिर डिवाइड का, भाग का, मल्टीप्लाई गुणा का, ऐड जोड़ का, फिर सब्ट्रैक्शन बाकी का। फिर नेक्स्ट ये क्वेश्चन आधारित है। तो फिर पहले जो बात करते हैं, पहले सबसे पहले मतलब क्वेश्चंस की, तो ब्रैकेट वाले क्वेश्चंस देखते हैं सबसे पहले। जैसे ये ब्रैकेट है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले इस ब्रैकेट का सॉल्यूशन करेंगी। फिर जैसे 4 + 2, 4 + 2, 6, 6, 6 × 10 बराबर कितना हो जाएगा, 60। आपका आंसर राइट आंसर। फिर ओ का मतलब ऑर्डर यानी का, फिर का तो इसमें क्या हो जाएगा, पहले जैसे 4 × 4 है, 4 O 4 यानी 4 का 4, तो 4 × 4 16, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 + 16 यानी 21। फिर डिवीजन की बात करते हैं नेक्स्ट है। फिर डिवीजन सबसे पहले मतलब जोड़ से पहले किसका हल करेंगे, डिवीजन का। जैसे 6 भाग 2 है तो कितना आएगा, 3, तो 10 + 3 कितना आ जाएगा, 10 + 3 13 आ जाएगा। फिर मल्टीप्लिकेशन है यानी मल्टीप्लाई है, सबसे पहले मल्टीप्लाई का हल करेंगे जोड़ बाकी में, तो 4 × 2 8, तो 10 - 8 दे दो आंसर आ जाएगा। फिर एडिशन की बात करते हैं, एडिशन का फिर जैसे 4 + 6 है, ठीक है। लेकिन अब देखना, अब इसमें देख, एडिशन से पहले क्या था, मल्टीप्लाई था, मतलब एडिशन से पहले क्या है, मल्टीप्लाई है ना। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई को हल करेंगे। तो 10 × 4 यानी 10 × 4 = 40 + 6 यानी 46 इसका आंसर आ जाएगा। सब्ट्रैक्शन फिर रहता है घटाओ। घटाओ में जैसे पहले देख, सब्ट्रैक्शन से पहले है डिवीजन है, तो पहले किसका हल करेंगे, डिवीजन का हल करेंगे यानी 10 भाग 2 है तो कितना आएगा, 5, 5 - 4 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। फिर ब्रैकेट का क्वेश्चन है, ये ब्रैकेट का क्वेश्चन है। जैसे ये ब्रैकेट का पहला क्वेश्चन है, तो पहले ब्रैकेट को सॉल्यूशन करेंगे यानी 4 + 2 6 और 10 × 6 60 यानी 10 × 6 60। फिर ऑर्डर यानी का बात करते हैं, का की यानी 2 × 2, तो पहले का यानी ऑर्डर का हल करेंगे यानी का ऑफ का हल करेंगे, तो 2 × 2 4, फिर 5 + 2 5 + 4 यानी 9। फिर नेक्स्ट बात करते हैं डिवीजन की, डिवीजन की बात करते हैं, डिवीजन यानी भाग। तो सबसे पहले फिर भाग को हल करेंगे, 6 भाग 2 तो कितना आएगा, 3, 10 + 3 13, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई का बात करते हैं, मतलब मल्टीप्लाई का होगा जोड़, जोड़ से पहले और घटाओ से पहले किसका हल होगा, मल्टीप्लाई का, ठीक है। तो 4 × 2 8 या 10 - 8 इसका 2 राइट आंसर हो जाएगा। फिर एडिशन की बात करते हैं, अब देख एडिशन से पहले क्या है, डिवीजन है, मल्टीप्लाई है, ऑर्डर है और ब्रैकेट है, तो मतलब पहले इनका हल होगा एडिशन से पहले, है ना। तो 10 × 4 40, 40 + 7 47। और सब्ट्रैक्शन यानी घटाओ की बात करें, तो जैसे अब देख भाग इसमें क्वेश्चन में, तो पहले सब्ट्रैक्शन से पहले कौन कौन है, एडिशन है, मल्टीप्लाई, डिवीजन है, ऑर्डर है, ब्रैकेट है, तो पहले इनका सॉल्यूशन होगा फिर सब्ट्रैक्शन का। तो 10 भाग 2 कितना आ जाएगा, 5, 5 - 3 2 इसका राइट आंसर है। तो एक बार फिर रिपीट करते हैं कि मतलब देख, पहले जैसे नीचे स्टार्ट करते हैं, सब्ट्रैक्शन से पहले किन का हल होगा, ब्रैकेट का, ब्रैकेट का हल होगा, फिर ऑफ का यानी का बोलते हैं ना, जैसे गुणा ही होता है इसको, ऑफ का मतलब, लेकिन ऑफ आ जाए ना, का आ जाए, तो उसका सबसे पहले गुणा से भी पहले हल होगा उसका। डिवाइड का होगा, मल्टीप्लाई का होगा, एडिशन का हल होगा, और फिर एडिशन से पहले किसका हल होगा, ब्रैकेट का, फिर ऑफ का, फिर डिवाइड का, फिर मल्टीप्लाई का। अब गुणा से पहले किसका हल होगा, ब्रैकेट का, फिर ऑफ का, फिर डिवाइड का। फिर डिवाइड से पहले किसका हल होगा, ब्रैकेट का, ऑफ का, और फिर ऑफ से पहले ब्रैकेट का, और ब्रैकेट से पहले होता है मैनिकुलम बार, उसका हल होगा सबसे पहले यानी मैनिकुलम बार। जैसे 2 × 2 है तो इसके ऊपर बार लगा, तो सबसे पहले इसको हल करेंगे, सभी से पहले इसको हल करेंगे। फिर नेक्स्ट बात करते हैं,
कुछ क्वेश्चन है बोर्ड मास पर आधारित, जैसे ब्रैकेट ऑफ का क्वेश्चन है, ब्रैकेट ऑफ यानी उसमें ब्रैकेट भी हो और ऑफ भी हो, है ना। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें जैसे पहले इस ब्रैकेट का हल करेंगे, जो चार इसके मल्टीप्लाई में जो ब्रैकेट है उसका हल करेंगे, फिर इस ब्रैकेट के अंदर जो संख्याएं हैं उसका हल करेंगे। जैसे सबसे पहले इस डिवाइड का हल करेंगे, ठीक है, यानी 5 15 भाग 5 तो 3 आ जाएगा इसका आंसर, 3, फिर 3 गुणा 4 फिर गुणा करेंगे, ठीक है, 3 चौक 12, फिर ये गुणा करेंगे 4 4, तो 12 माइनस 4 और 2 और फिर प्लस में 10 कर देंगे, फिर ये 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर उसी प्रकार है, इसमें पहले डिवीजन का हल करेंगे, फिर मल्टीप्लाई का, और फिर है वो मल्टीप्लाई का, इसमें मल्टीप्लाई और फिर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई में क्या है, इसमें पहले मल्टीप्लाई हल करेंगे इसमें, फिर इसको जोड़ बाकी कर करें, इन सभी का आंसर 72 आएगा। इसमें एडिशन वाले में देखते हैं, जैसे 10 प्लस 12 22 माइनस 4 तो कितना आ जाएगा, 22 माइनस 4 18, 18 चौक 72। सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं, जैसे 22 माइनस 4 तो 18 चौक 72, फिर ये आंसर है सभी का 72। तो वी बोडमास रूल यही कहता है कि सबसे पहले किसका हल करेंगे, वेनुकुलम बार का। जैसे ये बार होता है ना, वेनुकुलम बार, ये बार ये होता है वेनुकुलम बार, किसी भी संख्या के ऊपर लग जाए, जैसे 2 × 2 है या 2/2 है उसके ऊपर लग जाए, तो सबसे पहले वेनुकुलम बार का हल करेंगे, फिर है वो ब्रैकेट का हल करेंगे, फिर ऑफ, ऑफ का मतलब एक प्रकार से इकाई होता है। तो फिर नेक्स्ट बात करते हैं, ये आपने देख ही लिया कि मतलब पहले पेंडिकुलम बार, फिर ऑफ का, फिर डिवीजन का, फिर मल्टीप्लाई का, फिर एडिशन का, फिर सब्ट्रैक्शन का हल करेंगे। यानी हिंदी में बोलें तो सबसे पहले पेंडिकुलम बार का, फिर ब्रैकेट का, फिर ऑफ का, फिर डिवीजन का, फिर मल्टीप्लाई का, फिर एडिशन का, एड जोड़ का, सब्ट्रैक्शन यानी कोष्टक, फिर का, फिर भाग का, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर बाकी। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, अब इन क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में इन सब इन जो वी मोड मास पर जो जो भी आधारित जो क्वेश्चन होंगे उनकी प्रैक्टिस नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस करवाएंगे। तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन की घंटी भी दबा लेना, क्योंकि इसका जब हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस का वीडियो डालें तभी वो उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस करना, क्योंकि नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस का वीडियो डालेंगे। और सब्सक्राइब जरूर कर लेना और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना। धन्यवाद।